नमस्ते। इंडिया और अमेरिका से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती की खबरों के एकमात्र पोर्टल इंडियन टाइम्स डेली डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। इसमें आपको स्थापित व्यवसायों और साधनों की जानकारी भी मिलेगी। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आज की मुख्य खबरें हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार करार दिया है और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन निलेकनी को कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। अमेरिका में यूएस ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए आग्रह किया है और यूएस मिलिट्री में ट्रांसजेंडर बैन को 6 महीनों में अमल में लाया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम भारत और अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ चल लौटेंगे। इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को संविधान के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा करार दिया है। इस फैसले से आधार कार्ड से जुड़े मामलों पर असर पड़ सकता है, जिससे विभिन्न सेवाओं में अनिवार्य कर दिया गया है। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन निलेकनी की तत्काल प्रभाव से ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर में बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में वापसी हो गई है। विशाल सिक्का द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों में ये कदम उठाया गया। इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा एक बैठक में इस विषय में फैसला लिया गया। चीन ने कहा है कि लद्दाख में पेंगोंग झील के पास सड़क बनाने का फैसला लेकर भारत ने अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारा है। उन्होंने आगे कहा कि इससे डोकलाम विवाद को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सीमा पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए ये कदम ठीक नहीं है। सत्तारूढ़ एआईए डीएमके के प्रमुख ने सीएम के पलनीस्वामी के खिलाफ विद्रोह करने वाले 19 विधायकों को अयोग्य करार देने की अपील की है। ये विधायक इस समय जेल में बंद एआईए डीएमके की प्रमुख वीके शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दीनाकरन के नेतृत्व वाले दल का हिस्सा हैं। ये विधायक दोनों प्रमुख गुटों के विलय से परेशान हैं। भारत ने नेपाल के साथ सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग की पुष्टि की है, जिसमें आर्थिक और भूकंप के बाद का पुनर्निर्माण भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भारतीयों की तेजी से आर्थिक विकास की उम्मीदों के चलते राजनीतिक खेमे पर दबाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बड़ी शीघ्रता से आसान निर्णय लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग के एक्शन एजेंडा में इतनी काबिलियत है कि वह शासन कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश हो सकता है। जीजीएम के अध्यक्ष बिमल गुरंग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से दार्जिलिंग में संकट को हल करने के लिए राजनीतिक वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। एक अलग गोरखालैंड राज्य की अपनी मांग को लेकर जीजीएम द्वारा 12 जून से इन पहाड़ी इलाकों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराए गए लोगों में से एक एजी पिरारी वालन को अपने बीमार पिता को देखने के लिए पैरोल दे दी गई है। 1991 में गिरफ्तार होने के बाद से पिरारी वालन को पहली बार पैरोल दी गई है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में भारत ने गुरुवार को भी अपना दबदबा बनाए रखा। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु, एस शटलर साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत सभी ने तीसरे दौर का अपने एकल मुकाबले में जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। बॉलीवुड की अभिनेत्री एलियाना डिक्रूज, जो खुलकर अपना रुख रखने के लिए जानी जाती हैं, का कहना है कि उन्हें सभी फिल्में अपनी काबिलियत के कारण मिली हैं और वो काम पाने के लिए लोगों की चापलूसी नहीं करना चाहती। वो जल्द ही मिलन लुथारिया की आगामी फिल्म बादशाहों में दिखाई देंगी। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। IndianTimesDaily.com में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। यूएस ने भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह कश्मीर मुद्दे पर आपस में बात करके दोनों देशों के बीच तनाव को कम करें। स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन हेदर नॉर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय रणनीति में अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है और वहां स्थिरता लाने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के सहयोग की जरूरत है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मिलिट्री में ट्रांसजेंडर पर लगाई गई पाबंदी पर व्हाइट हाउस एक दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। व्हाइट हाउस द्वारा पेंटेगन को दिए जा रहे 2.5 पन्ने का ये मेमो सरकार द्वारा पाबंदी को बहाल करने के लिए दिशा निर्देश देने की पहली कोशिश है। शार्लेट्सविल की रैली में हिस्सा लेने वाले व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिस्टोफर कैंटविल ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ 2 काउंट्स के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसमें एक टीयर गैस का इस्तेमाल करना और दूसरा किसी तेज पदार्थ से शारीरिक हानि पहुंचाना शामिल है। यूएस, कनाडा और मेक्सिको ने नाफ्टा की बातचीत बाहर ना जाए, इसलिए आपस में गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत सरकारों पर दूसरी पार्टी से मिले टेक्स्ट, ईमेल्स, प्रपोजल्स और प्रेजेंटेशंस को साझा करने पर पाबंदी है, जिस पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें किस तरह संभालना है। यूएस फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज ने टेक्सास वोटर आईडी लॉ पर स्थायी रोक लगा दी है। अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने इस फैसले को अपमानजनक कहा और कसम खाई है कि वह इस फैसले के खिलाफ न्यू ऑर्लियंस के 5th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में जाएंगे।
साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन में एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने गोली मारकर एक बंदूकधारी को घायल कर दिया और सभी बंधकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बंदूकधारी को गंभीर हालत में पास ही के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रंप के शीर्ष सहयोगी के एक ईमेल का खुलासा किया है, जिसमें उनके कैंपेन अधिकारियों और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की गोपनीय कोशिश की बात सामने आई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह संभावित लीक डॉक्यूमेंट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इस सर्वे में 39% लोगों ने कहा कि वह ट्रंप के काम से खुश हैं, जो कि पिछले हफ्ते 44% था। ये सर्वे सुप्रीमेसिस रैली के बारे में ट्रंप द्वारा दिया गया विवादास्पद बयान के बाद किया गया है। चीन ने नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार करने वाले चाइनीज लोग या कंपनीज पर US द्वारा लगाई गई पाबंदी को सिरे से नकार दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि वह कड़े शब्दों में US से आग्रह कर रहे हैं कि अपनी गलती को सुधार लें, ताकि जरूरी मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग में नकारात्मक असर ना पड़े। US नेवी ने अपने मरे हुए एक सैनिक की पहचान न्यू जर्सी के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन केनेथ एरॉन स्मिथ के रूप में की। पिछले हफ्ते सिंगापुर के पास डिस्ट्रॉयर USS जॉन एस मैकेन की एक ऑयल टैंकर के साथ हुई भिड़ंत के बाद लापता हुए दूसरे नौसैनिकों की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। इसी के साथ हमारा न्यूज़ बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी अमेरिकन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे। She has Sri Lankan roots, grew up in Bahrain, and is now loving her life in Bollywood. Actress Jacqueline Fernandez says she has embraced everything that Mumbai has to offer, and now she has a keen interest to learn the beautiful Urdu language. I have a genuine interest to learn Urdu, a language that sounds so beautiful. At times I read something, and if I find any word that sounds interesting, I note it down, learn it, and try to incorporate it in my conversation. In fact, once I learn the language, I want to read books in that language. It's a gradual process, but I want to learn everything slowly, Jacqueline told INS in an interview. It may be recalled that when Jacqueline was working on Salman Khan's star Kick, there was news that the superstar had brought on board a coach to give Urdu lessons to the actress. The actress's new release is A Gentleman, a movie which has let her explore her action avatar. Even though she has been part of high-on action films like Kick, Brothers and Dishu, she is now tempted to do more. When directors Raj and DK came to me saying there is a scene in the film where Kavya, the character, has to pick up the gun and shoot people, I was like, wow, finally I got a chance to do action. I think action comes to me very naturally and I wish to do more action in future. Jacqueline featured in films like Houseful, Murder 2 and Race 2, sharing screen space with actors like Salman, John Ibrahim and Varun Dhawan. In A Gentleman, she features with Siddharth Malhotra. We had earlier seen photographs of Sanjay Dutt singing the Ganesha Aarti for his comeback film Bhoomi, and now he performs the Ganesha Aarti with wife Manya Dada. The couple looked adorable in color-coordinated outfits and performed the aarti just a few days before the Ganesh Chaturthi festival. Dutt, who is an ardent follower of Ganesha, said he feels privileged to sing the aarti. Bhoomi's director Umang Kumar says he is confident that Sanjay Dutt's sung Ganesha aarti will be hit. Besides, the film is scheduled for a 22nd September 2017 release.